नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम हमको हमेशा बताते हैं कि कैसे आप अपने खोए हुए प्यार को या उस शख्स को जो आपसे मुंह मोड़ चुका है, आपसे दूर जा चुका है और आप उसको अपना बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करें, ऐसे नए नए तरीके हम आपको बताते हैं। लेकिन आज जो विधि हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बेहद ही आसान और साधारण है। जी हाँ, एक कागज और पेन के माध्यम से आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। जी हाँ, एक कोरा कागज और पेन आपकी मदद कर सकता है आपके खोए हुए प्यार को आपसे मिलवाने के लिए, आपके उस शख्स को जिसने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपसे दूर चला गया है, सिर्फ एक साधारण सी विधि के जरिए। तो एक कागज और पेन के माध्यम से आप ये सब चीज कर सकते हैं, उस शख्स को अपना बना सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको कोरा कागज लेना होगा, जैसा कि हम ये ले रहे हैं। तो ये कोरा कागज के माध्यम से आप चारों कोनों पर ओम लिख देंगे और एक मंत्र आपको लिखना है, ओम चामुंडाय नमः। जी हाँ, तो ये कागज के चारों कोनों पर आपको ओम लिखना है और ये मंत्र आपको लिख देना है और उसके बाद आपको इस कागज को फोल्ड कर देना है। इसको फोल्ड करने के बाद आप इसको सिरहाने रखकर सो जाएं। बस इतना सा आपको करना है कि इसको सिरहाने रखकर सो जाना है और जैसे ही आप अगले दिन उठेंगे तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपको जल्दी उठना होगा और उसके बाद तो या तो एक दिए या मोमबत्ती के जरिए इस कागज को जला देना है जिस पर आपने उस शख्स का सोचकर चार बार ओम लिखा, उस मंत्र को लिखा। और जब ये कागज राख में तब्दील हो जाएगा उसके बाद उस राख को आप अपने हाथ में ले लेंगे और हाथ में लेने के बाद आप अपने मन में उस शख्स के बारे में ध्यान करेंगे। आप उस पर तीन बार फूंक मारकर उसे जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे और बस इस साधारण सी विधि के जरिए वो शख्स आपका हो जाएगा जो आपसे मुंह मोड़ चुका है, जो आपसे दूर है। आप उससे मिले या ना मिले, लेकिन वो आपसे जरूर मिलना चाहेगा। लेकिन आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि कोई भी विधि जब आप करते हैं तो आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, यानी गलत इस्तेमाल के लिए आप इस विधि का प्रयोग ना करें, क्योंकि गलत मंशा के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। तो अपनी मंशा को साफ रखें और अपने प्यार को आसानी से इस विधि के जरिए पा सकते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एकांत में ये विधि हो और साफ मंशा के साथ हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।